clowns. मौजूद शेख और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मौजूद शेख। आप लोग सब जानते हैं कि NIOS DLED जो कराते हैं वो NIOS का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट होने वाला था एक अगस्त से 5 अगस्त के अंदर, लेकिन आज देखिए 3 अगस्त हो गया, यानी 3 अगस्त हो गया लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इस बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अगर रिजल्ट कल हो जाते हैं या तो फिर 5 अगस्त के अंदर हो जाते हैं तो कैसे आप वो रिजल्ट चेक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप अपना मोबाइल से कैसे NIOS के रिजल्ट देख सकते हैं, मार्कशीट देख सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात कहता हूँ कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं नया नया कुछ लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको NIOS DLED के लिए NIOS.ac.in दबाना है। देखिए आपके सामने खुल चुका है NIOS का ऑफिशियल साइट, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक भी नोटिफिकेशन अभी रिजल्ट के बारे में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यह जो रिजल्ट के बारे में एक भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है तो इसके कारण है ये कि जो 13 लाख एग्ज़ाम दिए थे, तो 13 लाख एग्ज़ाम दिया उस सभी टीचर का मार्क्स को अपलोड करना है, सभी टीचर का मार्कशीट बनाना है। ये जो बहुत सारे एक चुनौती है NIOS के ऊपर, इसीलिए शायद थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ये लेट होने के बावजूद जब भी रिजल्ट आउट हो तभी आप कैसे रिजल्ट चेक करेंगे उस बारे में हम इस वीडियो आपको दिखाएंगे। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप लास्ट तक इसको देखें, और इसका मार्कशीट भी कैसे होगा उस बारे में हम उसको भी हम लाइव आपको दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि NIOS के ऑफिशियल साइट खुल चुका है, यहाँ हमने दबाया है NIOS.ac.in। अब हमें जाना है नीचे जाके देखना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एडमिशन, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, वोकेशनल, ये भी देख रहे हैं आप। यहाँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल्स, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, गैलरी वगैरह, DLED, NIOS DLED फॉर अनट्रेड टीचर। यहाँ आपको जो रिजल्ट देखने के लिए जो करना है वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ एग्जामिनेशन रिजल्ट, यहाँ पे आपको दबाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन रिजल्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका सामने एक पेज खुलेगा, जैसे खुल रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे जितने भी आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ खुल चुका है रिजल्ट एग्जामिनेशन, और रिजल्ट के बहुत सारे लिंक दिया हुआ है, यानी NIOS के जितने भी कोर्स का रिजल्ट हुआ है, जब भी हुआ है वह उनके सारे रिजल्ट के लिंक यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अब आपको जो करना है, जहाँ जाना है वो देखिए, रिजल्ट एंड रिजल्ट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आखिर में ये रिजल्ट एंड रिजल्ट वेरिफिकेशन पर। यहाँ आप देख सकते हैं रिजल्ट फॉर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अब दिया हुआ है, अक्टूबर 2017 एग्जामिनेशन दिया हुआ है। ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक में आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम वो, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये पेज खुल चुका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का, और यहाँ आपको रोल नंबर सर्च करने के लिए कह रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो यहाँ जो रोल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं कि रिजल्ट सर्च करने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए DLED का रोल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ जो रोल नंबर
मांग रहा है। ये रोल नंबर आसन में कौन सा नंबर है आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो इनरोलमेंट नंबर है वो इनरोलमेंट नंबर ही आपको रोल नंबर कहा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको रोल नंबर डालना है। आपका रोल नंबर डालने के बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको सबमिट करने के बाद कुछ देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि सारा इंडिया में देखिए अगर एक साथ ढेर सारे स्टूडेंट टीचर अगर सबमिट करके सर्च करेंगे तो जो लिंक पे दबाव आएगा ना तो थोड़ा धीरे होगा। तो अगर दिक्कत नहीं है, आप अगर लेट होता है तो थोड़ा रुकिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ अपना रोल नंबर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे दिखाते हैं और कैसे मार्कशीट आते हैं वो आपको दिखा। तो दोस्तों हमने डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ डालने के बाद आपको यहाँ देखेगा कि डाल दिए हैं और सबमिट भी कर दिए हैं, आपके सामने खुलेगा देखिए। और नीचे हम दे रहे हैं, देखिए खुल गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साइड है, और यहाँ आपको एक रिजल्ट दिया हुआ है और मार्कशीट कैसे होता है वो यहाँ पे थोड़ा दिखाया गया है। लेकिन ऐसा मार्कशीट नहीं होगा, इससे भी नया मार्कशीट होगा। ये आप देख रहे हैं सेशन जो है 2012-13 का, लेकिन हम तो अभी रनिंग है, तो रनिंग अभी रिजल्ट नहीं हुआ है, होने वाला है। इसीलिए आपको ये सैंपल की तरफ से यानी कैसे देखना है वो हम दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2012-13 ऑप्शन दिया गया है, यानी सेशन बताया है। यहाँ आप देख सकते हैं 501 का रिजल्ट हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ जो आप मार्क्स देख रहे हैं 32, और ये मार्क्स आप ये जो जिसका ये मार्कशीट है उसको मिला है। और ये आप जो देखिए 19th, ये नंबर उनका क्या कहूँ वो प्रैक्टिकल का नंबर है, यानी प्रोजेक्ट का नंबर है। और टोटल नंबर उनका 51, यानी वो पास 502 आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी उसका नंबर शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, अच्छी रहिए और अपना रिजल्ट देख के खुश रहिए, ठीक है। तो आज मैं चलता हूँ, फिर नया एक वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा और आपको दिखाऊँगा, ठीक है। गुड बाय।